हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 16 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होने वाली पीडीएफ हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे हम आज यहाँ पे सेट किए। देखिए, हम आप लोग को बता दें, जब भी आप लोग क्वेश्चन पढ़े तो कोशिश कीजिए समझने का, यहाँ पे ये नहीं कि इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, तो एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूज रहेगा। और गाइस, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड किए थे, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। 455 पे ही आप लोग का क्लास हो जाएगा, मतलब सारे वीडियो लेक्चर होगा, सारे टॉपिक बाय टॉपिक। इसके अलावा गाइस, आपको पीडीएफ आपको सारा मिल जाएगा, बुक वगैरह प्रीवियस ए टू जेड चीज आपको कवर हो जाएगा। केवल मॉक टेस्ट मन करे तो 99 पे मॉक टेस्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मॉक टेस्ट अभी और भी ज्यादा डालने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख गाइस, विंडो को बंद करने का शॉर्टकट कुंजी होता है यहाँ पे। तो बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक है। कंट्रोल प्लस F4 होता है, अल्ट प्लस F4 होता है, या कंट्रोल प्लस F3 होता है, या कंट्रोल प्लस C होता है। तो गाइस क्या हो जाएगा, अल्ट प्लस F4 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही आप गैस कीबोर्ड में अल्ट प्लस F4 टिपोगे ना, तो इस टाइप का आपका आइकॉन आ जाएगा, जैसे आप इस पे ओके करोगे तो ये सिस्टम आपका बंद हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सब चीज को आप प्रैक्टिकली रूप से भी आप करोगे तो आराम से ये चीज हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो पुराने स्टूडेंट होंगे, जो थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन बेसिक लगता होगा, लेकिन बहुत के लिए ये क्वेश्चन भी डिफिकल्ट हो जाता है। टू क्वेश्चन देखें, एमएस वर्ड में बात करें, सबसे ऊपर दिखने वाले बार को क्या कहा जाता है, टूल बार कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं, या टास्क बार कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम टाइटल बार कहते हैं। ऑप्शन बी को टिक ला के चले जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम सेट किया, ये डायग्राम के बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। जैसे गैस अभी हम टाइटल बार बोले, तो यही तो क्वेश्चन था, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं कहीं, लेकिन आपको सभी पार्टों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि इसको हम मिनिमाइज बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं, ये सब जब आपका जॉब लग जाए तो ये सब काम भी आपको करना पड़ेगा। हाल ही का जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये सब के बारे में आपको अच्छा प्रैक्टिकली रूप से समझाया गया। इनको टूल बार बोलते हैं, जो लेंथ पे इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, स्क्रॉल बार बोलते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, इसको इधर से इधर मूव कर सकते हैं यहाँ पे, इसको स्टेटस बार बोलते हैं, रिसाइजिंग बोलते हैं, स्क्रॉल बार बोलते हैं, यहाँ पे ये जो नीचे एरो देखते हैं इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं, इसको फाइल मेन्यू बार बोलते हैं। तो ये सब चीज आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी होना चाहिए, एक आप कंप्यूटर का एग्जाम देने जा रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये सब चीज तो बेसिक चीज है जो कि जानकारी होना चाहिए, एंड यही से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। थ्री क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा फ्रंट स्टाइल नहीं है, बोल्ट नहीं है, या इटालिक नहीं, या रेगुलर नहीं है, या सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट नहीं है, ऑप्शन डी को टिक ला के चलेगा। बोल्ट हो, इटालिक बार हो, रेगुलर, आपको ये सब दिख जाएगा, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं दिखेगा। जब आप ये कहोगे ये है बोल्ट गैस, ये है आपका इटालिक है, ये है अंडरलाइन है, आपको ये सब मिल जाएगा। रेगुलर थोड़ा हम आगे आपको बता दें किसको रेगुलर बोलते हैं, तो ये भी चीज आपको एक जानकारी होना चाहिए यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, एंड फोर क्वेश्चन है, जस्टिफाई प्रॉपर्टी को कीबोर्ड के द्वारा एक्टिव करने के लिए कौन सा प्रक्रिया होता है। मतलब ये शॉर्टकट यहाँ पे देखा है, कंट्रोल जे या कंट्रोल ई, कंट्रोल वन, कंट्रोल आर। तो जस्टिफाई प्रॉपर्टी का कंट्रोल जे होता है, ऑप्शन ए को टिक ला के चले जाएगा। तो जस्टिफाई होता है क्या, तो इनको हम डायग्राम से समझाने के लिए यहाँ पे मैं सेट किया एक इमेज। देखिए जैसे कि एक वर्ड इधर लिखा है, एक वर्ड ऐसे लिखा है ना जिकटेक में, तो जैसे आप कंट्रोल प्लस जे टिप हो गए ना, तो एक सिक्वेंस में आपको ये लिखा जाएगा, मतलब एक सिक्वेंस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसी को हम कंट्रोल जे कर लेते हैं ना, तो फिर वो सही हो जाता है यहाँ पे। नाउ गाइस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले फाइव, एंड फाइव क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन सा विकल्प भिन्न है, टाइटल बार, स्टेटस बार, रेगुलर बार, या डॉन बार। तो डॉन बार बिल्कुल भी नहीं है पे, मतलब अलग आपको दिखता है, ये सब आपको मिल जाएगा गाइस, अभी हम आपको दिखाएंगे भी एग्जांपल में। एंड गाइस डी को आप लोग टिक लगा के चले, वो बिल्कुल डिफरेंट है यहाँ पे। यहाँ पे देखें जितना आप वर्ड देखे थे, टाइटल बार यहाँ पे देखें, इस वाले पार्ट को क्या होता है टाइटल बार, जो कि हम अभी बताए भी थे आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए गाइस, ये है रेगुलर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रेगुलर बार बोलते हैं ना। इसके बाद स्टेटस बार भी देखते हैं, तो ये सब था हमारा। डॉन बार आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। डॉन बार दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो डॉन बार बिल्कुल अलग था यहाँ पे, डिफरेंट था यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे होगा करता। क्वेश्चन सिक्स से बात करें, उपभोक्ता करता दस्तावेज का जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो फाइल नेम कहते हैं यहाँ पे, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं काफी ज्यादा जो डॉक्यूमेंट होता है या कोई चीज को हमको सेव करके, तो उसका फाइल नहीं तो सेव करते, उसका फाइल नाम ही होता है, जैसे वर्क है, फोटो या जो भी अपने अकॉर्डिंग जो भी है नाम वगैरह रख सकते हैं। क्वेश्चन सात देखिए गाइस, वर्ड में एक फाइल डॉट डॉट कहलाती है, तो टेम्पलेट कहलाती है, या फॉर्म कहलाती है, या डेटाबेस, या डॉक्यूमेंट। तो वर्ड में जो हम फाइल वगैरह सेव करते हैं उस वो फाइल डॉक्यूमेंट होता है यहाँ पे। आप देखोगे जब कोई फाइल वगैरह के, जब इन फाइल को आप सेव करोगे तो ये डॉक्यूमेंट में सेव होती है, फिर आप डॉक्यूमेंट से पीडीएफ या जिस भी फॉर्म में आप लेना चाहते हैं उस फॉर्म में आप चेंज करके ले सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एलईडी का, क्वेश्चन आठ देखेंगे, और फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम पूछ लेते हैं।
तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म पूछा है, पूर्ण रूप क्या होता है? तो लीड, लीड सबसे पहले नहीं हो जाएगा, लाइट होता है, सेंट्रल नहीं हो जाएगा यहाँ पे, लिक्विड सेंट्रल नहीं हो जाएगा यहाँ पे, लिक्विड डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ये है गाइस कुछ एलईडी यहाँ पे है ना, इसी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एलसीडी का, ठीक है। नाउ हम 9 क्वेश्चन देखे गाइस, 9 क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। यह क्वेश्चन 9 देखे गाइस, यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक डिजाइन और मल्टीमीडिया उपभोक्ताओं में अधिक लोकप्रिय, मतलब काफी अच्छा लगता है यूज करेंगे, विंडोज को या मैक ओएस को या लिनक्स को या यूनिक्स को? आंसर क्या होगा? लिनक्स हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आपको लिनक्स ही नहीं पता है तो अभी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि एमएस विंडो वगैरह होता है ना, बस ये लिनक्स होता है कैसे यहाँ पे, है ना, ये भी एक विंडो के जैसे, लेकिन इस चलाने में काफी ईजी होता है और आसानी होती है। जैसे कि आप एप्पल का फोन खरीदोगे या नोकिया का फोन खरीदे तो ना, काफी को एंड्रॉइड पसंद आता था, बस इसी तरह विंडो में भी है, लिनक्स यूज करोगे तो इन सबसे अच्छा लिनक्स होता है। हालांकि मैं भी कुछ दिन से ही जानता हूँ तो मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ पे, तो आप इन्हें भी यूज कर सकते हैं एक बार, थोड़ा बहुत अगर आप इस फील्ड में अनुभव रखते हैं तो इनको भी एक बार यूज करके देखिएगा। 10 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर या यूटिलिज या उपयुक्त में सभी? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर या यूटिलिज, एक सॉफ्टवेयर है सारा यहाँ पे। अच्छा, हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम बताते हैं, ये सब पार्ट है, ये सब सिस्टम का ही ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, एप्लीकेशन वगैरह, लेकिन गैस यहाँ पे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे ये है, विंडो ही नहीं होगा तो फिर आप कैसे सिस्टम को ऑपरेटिंग कर पाएगा? कुछ भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा, एक तरह डिब्बा काला गया है ना, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है। कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर का ही पार्ट मान लो, जैसे लैंग्वेज है, जैसे कि हाई लेवल का जो लैंग्वेज होता है कंपाइल करके, इसको हम लो लैंग्वेज, मतलब जिस लैंग्वेज में मुझे पढ़ना चाहते थे उस लैंग्वेज में हम कंपाइल कर सकते हैं यहाँ पे। एंड गैस नेक्स्ट यहाँ पे जो था, क्या था यहाँ पे, यूटिलिटी था, यूटिलिटी के अंतर्गत ये सारा एक सॉफ्टवेयर वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे। तो कुछ ये था, भले ही हम क्वेश्चन 10 लेके आते हैं लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन हम आप लोग के बीच लेके आते हैं। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं और इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, केवल 455 पे रखा गया है, क्लास वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो अगर देखने का मन हो तो हम क्या करेंगे, टेलीग्राम पे डेमो क्लास शेयर कर दिए या व्हाट्सएप पे कनेक्ट करके बोल दीजिए सर एक डेमो दिखा दीजिए, तब आप मन करें तब ज्वाइन कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट में अभी बहुत कुछ डलना बाकी है यहाँ पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।